प्रिया मम्मा, I'm really sorry. मैंने ना आपकी डांट को हमेशा गलत समझा. उसमें जो आपका प्यार, आपका कंसर्न था, मैं वो कभी समझ नहीं पाई. I'm sorry. तो क्यों मुझे सॉरी बोल रही है बेटी? एक माँ और बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है, कुछ खट्टा कुछ मीठा. तुझे पता है, मैं भी अपनी माँ को कभी नहीं समझ पाई, तो तेरी बेटी भी तुझे कभी नहीं समझ पाएगी. यही साइकिल है, नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ लाइफ. अरे वो गाड़ी एसी शुरू किया क्या, देख लेना जरा. वो आप मेरी स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल और इनोसेंट सी बच्ची. प्रिया तू जानती है तेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है? तेरा इनोसेंस. लाइफ में कुछ भी हो जाए, कभी अपना दिल मैला मत करना, और हमेशा याद रखना कि तेरी पूरी फैमिली तुझसे कितना प्यार करती है. आई रियली डोंट नो प्रिया, मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगा. मैं बहुत मिस करूंगा मैं तुझे प्रिया. मेरी विश ये है ना कि तू हमें कभी भी मिस मत करना. तेरी नई फैमिली में तुझे इतना प्यार मिले, इतनी खुशियां मिले कि तुझे हमारी याद तक ना आए. I love you, papa. मैं जानता हूं हम आपके कंपैरिजन में बहुत छोटे लोग हैं, और हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारी इज्जत होती है. और आज ये मेरे घर की रौनक, मेरा मान, मेरा अभिमान, मेरा सम्मान, मेरा सब कुछ. याद से आपके घर की लक्ष्मी बनने जा रही है. अरे आप क्या कर रहे हैं, प्लीज संभालिए अपने आप को. आपने तो हम सबको इमोशनल कर दिया. मतलब मेरा रोना आना बाकी है, अभी बाकी के लोग भी रोएंगे, वो हंसी वाले आंसू. मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं है ना कि दुल्हन की विदाई पे दूल्हा फूट फूट के रो रहा हो. वो इमोशनल मोमेंट थोड़ा फनी हो जाएगा. तो मुझे नहीं पता है ऐसे मौकों पे क्या कहना चाहिए. मेरा पहली बार है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है मुझे. लेकिन आपके इतने सारे भाव को देखकर मुझे लगा कि मैं आपसे सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, जो मैंने वादा आपसे किया था उसे निभाने का. मैं अटा मैं बेस्ट. आई नो. थैंक यू. थैंक यू. कि मुझे क्या हो रहा है? मैं तो कितनी श्योर थी कि मुझे कुछ फील नहीं होगा. जब शादी रियल नहीं है तो इमोशंस कहाँ से आएंगे? पर ये ट्विस्ट कहाँ से आ गया? मेरे आंसू क्यों नहीं रुक रहे हैं यार? सुन, ख्याल रखना अपना. कितनी बार बोल चुकी हूँ, अरे मैं क्यों रोऊंगी? मैं नहीं रोने वाली. ओके, देखो इसे कितनी कूल और कैजुअल बनने की कोशिश कर रही है. बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मुझे कुछ फील नहीं होता, मैं नहीं रोऊंगी. पर डॉक्टर प्रिया, तुम्हारी आंखें ना कुछ और ही कह रही है, बता रही है कि तुम कोकोनट हो, ऊपर से कड़क अंदर से बहुत सॉफ्ट.
तुम्हें बोला था रोएगी नहीं, फिर रो क्यों रही है? मुझे भी रुला दी। सुन, वापस आ जाएगी ना 3 महीने में? ऑफ कोर्स। और देखना, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, मेरे सर से शादी की तलवार भी हट जाएगी। और सुन, मैंने वो पैक कर दिया है, तुझे जरूरत पड़ेगी ना तेरी फर्स्ट नाइट है। क्या, क्यों? मैंने कहा था ना मुझे नहीं चाहिए। You need it. प्रिया मेरी बच्ची, बहुत खुश रहना। थैंक यू। चलें, वरना तुम्हारे साथ हम लोग भी रो जाएंगे। चलें। अरे दोनों आगे आगे। अकेले का गृह प्रवेश नहीं है, मेरी पत्नी है साथ में, दोनों का साथ में गृह प्रवेश है। ओह पत्नी भाई, हाउ्स इट जोश? ताई जी, मुझे तो लगता है भाई थोड़ा जल्दी में। भाई हैव सम पेशेंस। अरे हैशटैग गृह प्रवेश तो कर लो। एक सेकंड, मैं इस रिचुअल के लिए तैयार नहीं हूँ। अरे अरे माँ, कितनी रस्में होती है यार ये इंडियन वेडिंग्स में, मतलब खत्म नहीं हो रही, खत्म नहीं हो रही, चलती जा रही है यार, मतलब थक गए हम लोग। So that हम जिंदगी में एक बार जीते, एक बार मरते हैं, शादी भी एक ही बार करते हैं, मेरी बात को याद रखना। सेनोरिटा। और इसके बाद तो वैसे भी दूसरी शादी करने की हिम्मत नहीं रखेगा ना, थक गया बेचारा। बस 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 बस, ज्यादा मत छेड़ो मेरे राम को। देखो सारी रस्में जल्दी से निभानी है, राम को बहुत जल्दी है। बहुत जल्दी तो है, दिख रहा है। थैंक यू बेटा, जल्दी होगी। चलो तुम दोनों की आरती कर दूं। थैंक यू बेटा। यस। प्रिया बेटा, अब ना जो अपना राइट पांव है ना, उससे ये चावल से भरा जो कलश है ना, उसे धकेल कर अंदर आ जा, ठीक है? अब यहीं रुक जाओ बेटा। अब वो क्या है ना कि ये कुमकुम से भरी थाल है ना, इसमें ना तुम दोनों पांव रखोगे और फिर अपने शुभ कदमों से घर में प्रवेश करोगे। लेकिन ऐसे नहीं, राम तू इसका हाथ पकड़ और कस के जोर से पकड़ना, दोनों का गृह प्रवेश है, तुम दोनों की नई जिंदगी शुरू होने वाली है, तो हमेशा साथ साथ रहना। चलो बेटा एक मिनट ध्यान से। हाँ, हाथ पकड़, ढंग से पकड़। अब ना अपने शुभ पांव से घर में प्रवेश करना, आ जा। पहले 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 वो राइट पांव। हाँ, अब इस घर में प्रवेश करो। चलो फटाफट ब्लेसिंग्स ले लो। बस बस बस, खुश रहो, खुश रहो। दोनों का जो साथ है ना, वो 7 जन्म तक ऐसे ही बना रहे। हाँ, उसके बाद भी और चाहिए क्या? आंटी आपने कहा था ना प्रिया को कुछ शगुन में देना। ओहो, थैंक यू बेटा, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। ये ना प्रिया हमारे खानदानी कंगन है। अच्छे, बहुत सुंदर है। वो क्या है ना कि अच्छे के साथ साथ ये प्रेशियस भी है, ये कोई मामूली ज्वेलरी नहीं। जब ये कोई ज्वेलरी का पीस कोई सास अपनी बहू को पहनाती है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि इस घर का भरोसा, इसकी इज्जत वो अपनी बहू के हाथों में दे रही है, उसे संभाल के रखना होता है। तो आज से इस घर की इज्जत, भरोसा सब तुम्हें संभालना है, तुम्हें संभालना है और साथ में मेरे बेटे को। अब हम लोग वो गेम खेलते हैं ना, वो क्या होता है वो कौड़ी वाला, हाँ रिंग वाला। चलो चलो, मेरा फेवरेट है। चलो चलो चलो,
हाँ, अभी आपकी ना रस्में चलती रहेंगी, एक रस्म हमारी तरफ से भी हो जाए। एक सेकेंड, तुम लोग कब इस रस्म बिजनेस में घुस गए? ट्रेडिशन मेडिशन चलते रहेंगे, लेकिन कुछ पानी होना चाहिए, मस्ती होना चाहिए। कौन सी रस्म करनी है तुम दोनों को? अरे वो होती है ना, हस्बैंड अपनी वाइफ को लेके जाता है आर्म्स में थ्रेशोल्ड पे कैरी करके। एक सेकेंड, ये कौन सी फिल्म देख रहा है? क्या क्या बात क्या कर रहा है? अरे राम राम, ये गोद में उठाने की बात कर रहे हैं। इनकी हिंदी पता है ना तुझे? अच्छा जो भी है, मुझे नहीं एक्सपेक्ट किया था मैंने कि ये लोग ऐसी रस्में बताएंगे, मतलब बहुत रोमांटिक है। राम चल ये रस्म तू कर ही ले प्रिया, कर लो कर लो। गोद गोद में उठाना ये नहीं होगा। अरे उठा ले। अरे डॉक्टर प्रिया नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? अरे प्रिया को करना ही नहीं, तुझे करना है, तू कर ले ना। अरे कैसे नहीं उठाएगा, उठा ना। कम ऑन राम, कम ऑन उठा, प्रॉब्लम है करना। मां समझो, अरे आज खाना भी नहीं खाया मैं। इट्स ओके, इट्स ओके। मिस्टर कपूर को ऐसे ये सब उठाने की क्या जरूरत है? हाँ। मुझे तो चलने की आदत है ना, मैं घर पे मेरी बिल्डिंग की लिफ्ट खराब होती है तो मैं चल के ही जाती हूँ, तो मैं चल लेती हूँ। हाँ वो तो हमें पता है, जिस दिन हम लोग आए थे उस दिन भी खराब हो गई थी, बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी थी हमें। सो सॉरी अबाउट दैट, बट फायदा हो जाता है ना उसका, मतलब चल के थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह हो जाता है तो। लेकिन आज कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, आज तुम दुल्हन हो, स्पेशल हो, आज राम तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ही आगे ले जाएगा। चल चल राम, चलो उठा 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 भाई, उठा राम, कम ऑन यार, उठा ना। उनको तकलीफ देने की क्या जरूरत है? अरे मैं कोई तकलीफ की बात ही नहीं है बेटा, तुम आज दुल्हन हो और ये जो रस्में होती है ना, ये इसलिए होती है कि हस्बैंड को याद रहे, मतलब आज से कई साल बाद, 25-30 साल बाद उसे याद है कि कैसे अपनी पत्नी को इतने प्यार से उठा के वो इस घर में लेकर आया था। जब झगड़ा करोगे ना तब ये बात काम आएगी। और तुम लोग क्या करते हो, वो कहते हो ना वाउज, हाँ समझ लो ये वो ही है, क्योंकि वो जो हस्बैंड है ना वो एक प्रोटेक्टर है, वो तुम्हें बाहों में भरकर इस घर में अंदर लेकर आएगा, ये कहते हुए या ये सोचते हुए कि कोई भी तकलीफ तुम्हें कभी छू नहीं सकती, क्योंकि वो है प्रोटेक्ट करने के लिए। कोई भी दिक्कत आए, गॉड फॉरबिड, तो वो हमेशा रहेगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास, ठीक है? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।